हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग पोटेंशियो मीटर के बारे में बात करेंगे। ओके, पोटेंशियो मीटर। व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियो मीटर? राइट, सो बेसिकली बाय पोटेंशियो मीटर वी अंडरस्टैंड दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके राइट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, समथिंग लाइक दिस। बेसिकली एक वुडन बोर्ड होते हैं इस टाइप से। एक बोर्ड होते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रहते हैं। और अक्रॉस दिस पॉइंट्स वायर रहते हैं। एक वायर यहाँ से जाएगा, ये 1 मीटर होते हैं, फिर दूसरा पॉइंट को कनेक्ट करके फिर यहाँ आते हैं। इस हिसाब से एक इसका यूजेस हम देखेंगे पहले। लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरह से है यूजली। 1 2 3 4 5 टर्न्स, 5 टर्न्स हो गया, नहीं तो 10 टर्न्स होते हैं। ओके, इसका दिस इज वन एंड ऑफ द वायर, दिस इज द अदर एंड ऑफ द वायर। ओके, इसको हम सी कहते हैं। इन बिटवीन एक स्लाइडिंग की होते हैं, जो स्लाइड कर सकते हैं हम वन इंटू द अदर एंड। स्लाइड कर सकते हैं, उसको प्रेस भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी किसी भी वायर के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट ए से लेके यहाँ पर एक बैटरी होते हैं, जिसको हम ड्राइवर सेल कहते हैं। ड्राइवर ड्राइवर सेल। फिर एक रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर उसको इस एंड में कनेक्ट किया जाता है। सो बेसिकली यही सेटअप है पोटेंशियोमीटर का। ओके, इन जनरल वी हैव गॉट 5 टर्न्स और 10 टर्न्स। 5 टर्न्स मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 5 मीटर। अगर 10 टर्न्स होगा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। सो ई नॉट इज द ड्राइवर सेल, लेट मी कॉल आर नॉट एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर लेट मी कॉल PMW। आर नॉट रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, रेजिस्टेंस ऑफ PMW, पोटेंशियो मीटर वायर। ओके, ये बेसिकली इन जनरल एक सर्किट होते हैं, इसी सर्किट को पोटेंशियो मीटर कहते हैं। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड पोटेंशियो मीटर और इसका यूजेस क्या है? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल का समझते हैं। अच्छा, ये सर्किट के लिए यहाँ पर करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू, इसको भी दिखा देते हैं, I इज द करंट इन द सर्किट, बैटरी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ओके, आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई आर नॉट प्लस आर नॉट। राइट, तो वी ए सी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना होगा? आई इंटू आर नॉट, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द ए सी। रेजिस्टेंस ऑफ द ए सी कितना है? आर नॉट है। सो ये कितना बन जाएगा? आई आर नॉट। राइट, और आई कितना है? ए नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर नॉट। दिस हैज बिकम द पोटेंशियल ड्रॉप पार पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। एंड वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर? कैपिटल एल। ओके, सो पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज वी ए सी डिवाइडेड बाई एल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये कैपिटल आर नॉट है। ओके, इसको बोला जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यानी इस वायर का आप यूनिट लेंथ कंसीडर करोगे। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? लेंथ इज इक्वल टू यूनिट, यूनिट लेंथ कंसीडर करना है। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा आते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? अगर हम एक यूनिफॉर्म
कंडक्टर कंसीडर करें, ए कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, लेट अस कनेक्ट इट अक्रॉस अ बैटरी, लेट अस कनेक्ट इट अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट, ठीक है. सो करंट कितना होगा इन अ कंडक्टर, दिस कंडक्टर इज सपोज ए सी, करंट कितना होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस इज सपोज आर, सो व्हाट एवर इट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज सपोज योर आर, सो करंट इन द सर्किट विल बिकम वी डिवाइडेड बाय आर. अब हमें क्या निकालना है, ओके, एंड लेंथ ऑफ दिस वायर इज सपोज योर कैपिटल एल. हमें क्या करना है, लेट मी कंसीडर अनदर पॉइंट बी एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ए, ओके, अक्रॉस दिस पार्टिकुलर लेंथ हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ओके, टू फाइंड वी ए बी वी ए बी कैसे निकालेंगे, तो हम इसको लिखते हैं वी ए बी इज नथिंग बट करेंट इन टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, वी ए बी इज नथिंग बट करेंट इन टू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी. अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, ओके, इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ ए सी. जैसे अगर हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, टोटल लेंथ कितना है एल, टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर, ए लेंथ एल हैज अ रेजिस्टेंस आर, therefore a length small l will have a resistance r by l into small l by using unitary method. Q, because cross section area is constant, cross sectional area is constant, so r will be directly proportional to length. Length jitna hoga resistance utna zyada hoga, okay, usi hisab se hum unitary method ko apply kar sakenge, okay, l when the length is l resistance is r, when the length will become small l resistance will become r by l into small l. सो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है आर बाय एल इंटू स्मॉल एल. अगर हम इसको यहाँ पर प्लेस करें आई कैपिटल आर बाय एल इंटू स्मॉल एल, अगर आई को रिप्लेस करना है, ओके, आई आर को रिप्लेस करना है, आई आर को यू कैन रिप्लेस इट बाय वी, वी बाय एल इंटू स्मॉल एल. सो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर, अक्रॉस ए सर्टेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. अगर मैं इसको L1 लूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. मैं इसको L1 से इंक्रीज करके L2 बना दूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप और इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं इसको छोटा करके L3 बना दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा. इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके ओके, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज दैट, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है. तो ये दो तीन पॉइंट हैं जो आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद रखना है. ओके, ध्यान का साथ इसको याद रखना है. इसके बाद लेट अस गो टू द फर्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. पहला यूज है पोटेंशियोमीटर का, फर्स्ट यूज क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर. ठीक है, फर्स्ट यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का बहुत सारे यूजेस है, उसमें से एक यूज ये है कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. सो लेट अस सी द फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट यूज, फर्स्ट यूज क्या है, टू फाइंड the value of unknown EMF, to find the value of unknown EMF. With the help of potentiometer हम unknown EMF कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक चीज को याद करेंगे. चलो पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर, आई एम नॉट सोइंग सो मेनी टर्न्स, आई एम जस्ट सोइंग यू वन टर्न ए सी. ये पोटेंशियोमीटर है, ये ई नॉट है, दिस इज आर नॉट. Current in the circuit, we already have the expressions of current in the circuit.
ओके अब इसको यूज करके हम कैसे यूज करेंगे, यहां पर ए इज अर हायर पोटेंशियल, बी इज अर सी इज अर लोअर पोटेंशियल, ए इज अर हायर पोटेंशियल, सी इज अर लोअर पोटेंशियल। जो सेल दिया हुआ है, जो अननोन सेल दिया हुआ है जिसका ईएमएफ हमें निकालना है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल एंड में कनेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर का साथ कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को एक स्लाइडिंग की का साथ कनेक्ट करेंगे, स्लाइडिंग की का साथ कनेक्ट करेंगे। ओके तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसको यहां जाने से पहले एक बात याद देख लो यार अच्छी तरह से। अगर किसी सर्किट में मैं दो बैटरी कनेक्ट कर देता हूं E1 एंड E2 इन सच ए वे दैट दे विल अपोज इच अदर। मैंने दोनों को एक ही ऑर्डर में कनेक्ट नहीं किया, एक को मैं एंटी क्लॉकवाइज कनेक्ट किया तो दूसरे को क्लॉकवाइज कनेक्ट किया। E1 बोलेगा करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, E2 बोलेगा करंट विल बी शुड बी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 देन E1 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर, सो ये इसको डोमिनेट करेगा, करंट विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज। ओके हाँ, जैसे ये सपोज योर 10 वोल्ट और ये सपोज 6 वोल्ट, अब क्या करेगा 10 माइनस 6 इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बिकम 4 वोल्ट, सो बिकॉज ऑफ 4 वोल्ट देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट। सिमिलरली अगर E2 ग्रेटर देन E1 है देन E2 विल डोमिनेट, ये सपोज 16 वोल्ट ये 10 वोल्ट, सो E2 विल डोमिनेट द करंट विल बिकम व्हाट क्लॉकवाइज। क्लियर है। अगर E1 becomes equal to E2, current there will be no current in the part in this particular loop. Okay? इसी हिसाब से अब यहां पर देखो, यहां पर you can visualize two EMF. ये तो unknown EMF जिसको निकालना है। Between A and B there is a potential drop VAB. कितना था VAB? VAB हमने कितना निकाला? Okay? VAB इसको हम निकाल लेते हैं, रुको। Potential drop between A and B. हम लोगों ने VAC निकाला था। कौन सा निकाला? वी ए सी निकाला था, ये वी ए सी है। ओके वी ए बी निकालते हैं, हाउ मच इज वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वी ए बी, वी ए बी कितना है, ये पार्टिकुलर लेंथ है सपोज एल। ओके इसको कैसे करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ will give you the potential of that particular length. What is potential gradient? Potential per unit length. Potential drop per unit length. ये वाला. Potential drop per unit length. ठीक है? This is the potential drop per unit length. Okay. Suppose this is the potential drop per per 1 centimeter. हमें potential drop across 10 centimeter निकालना है, तो इसको हम 10 से multiply कर देंगे. तो कैसे बनेगा? Potential gradient into L. What is potential gradient? Is nothing but E naught R naught divided by R naught plus R naught in into L. Okay, this is potential gradient multiplied by the length L. Okay, so kya nikla? VAB, VAB is directly proportional to L. Baki sab yahan diya hua hai. Baki sab yahan par diya hua hai, constant hai. This is VAB. Yani is tarah se dekho, between point A and B, we can imagine a virtual battery. Yahan par battery nahi hai. हम एक बैटरी इमेजिन कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी ए बी है, बिटवीन ए एंड बी। ओके अब यहां पर हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, क्या कनेक्ट किया हुआ है, द गिवन ईएमएफ अननोन जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। अब मुझे बताओ ये पार्टिकुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसमें से एक बात याद रखना, E1 का वैल्यू कांस्टेंट है, ये तो दिया हुआ है कांस्टेंट, लेकिन VAB का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, L। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको ज्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ओके यानी L को मैं ज्यादा कर दूंगा तो VAB ज्यादा हो जाएगा, L को मैं छोटा कर दूंगा तो VAB क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके मुझे ना क्लॉकवाइज चाहिए ना मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, आई डू नॉट वांट एनी करंट, नो करंट मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रीडिंग कितना होना है, जीरो होना है, इसका रीडिंग कितना होना है, जीरो होना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस लेंथ को यानी इस पार्टिकुलर लेंथ को मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगा, ओके इस तरह से एडजस्ट करूंगा ताकि वी ए बी बिकम्स इक्वल टू ई। ओके यानी मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा ताकि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो हो जाता है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो है मतलब इस पार्टिकुलर लूप में कोई भी करंट नहीं है।
अगर ये पार्टिकुलर लूप में कोई भी करंट नहीं है तो दोनों ईएमएफ इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, दे विल कैंसिल ईच अदर लाइक इन दिस सिचुएशन वी हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक है, सो यानी एक पार्टिकुलर पोजीशन, एक पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ बी के लिए गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो होगा और उस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या होगा, ई वन ई विल बिकम इक्वल टू वी ए बी, ई विल बिकम हाउ मच इक्वल टू, लेट मी कॉल दिस इज ई नॉट ई वन, ई विल बिकम इक्वल टू, सो फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वी ए बी विल बिकम इक्वल टू ई। ओके, देयरफॉर ई कितना बन जाएगा, वी ए बी, वी ए बी मतलब ई नॉट आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू एल इंटू स्मॉल एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ दैट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस ओके पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट वेरी सिंपल, दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, टू कंपेयर बिटवीन टू ईएमएफ्स, टू कंपेयर, कंपेयर मतलब कंपेयर बिटवीन टू ईएमएफ्स, कंपेयर का मतलब है कौन बड़ा कौन छोटा उसको देखना है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकेंगे, कंपेयर का मतलब हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए हम वही सर्किट पुराना वाला सर्किट ही कंसीडर करेंगे, ये आर नॉट है प्लस माइनस, ये है तुम्हारा एक्सटर्नल बैटरी ई नॉट, दिस इज द वायर पोटेंशियोमीटर वायर ए सी, सेम करंट इज फ्लोइंग। अब यहाँ पर डू ईएमएफ दिया हुआ है जिसकी जिसके हमें कंपेयर करना है, ईएमएफ ई वन एंड ईएमएफ ई टू, वन इज ई वन द अदर इज ई टू, ई वन और ई टू को कंपेयर करना है, तो हमने क्या किया, ई वन और ई टू को एक टू वे की का साथ कनेक्ट कर दिया, टू वे की मतलब इसमें दो की है, वन वन को ज्वाइन करूंगा तो ई वन विल कम इन द सर्किट, वन को डिस्कनेक्ट करूंगा ई वन विल गेट डिस्कनेक्टेड, टू को ज्वाइन करूंगा ई टू विल कम इन द सर्किट, टू को डिस्कनेक्ट करूंगा सो ई टू विल गेट डिस्कनेक्टेड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ई वन को ज्वाइन कर देते हैं, ई टू अभी ऑफ है, ये कनेक्टेड नहीं है, ई वन को कनेक्ट कर दे, ई वन को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ सपोज बी वन जिसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो मिला और ये पार्टिकुलर लेंथ है सपोज एल वन, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम द अबव सिचुएशन ई वाज बैलेंस्ड एट अ लेंथ एल, ई वाज बैलेंस्ड, बैलेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया मतलब ये इसको कैंसिल किया गया, इसीलिए इस पार्टिकुलर लेंथ जिसमें ये कैंसिल हुआ इसको बैलेंस लेंथ बोला जाएगा, बैलेंस लेंथ। तो हम इसको कनेक्ट करके बैलेंस लेंथ ढूंढेंगे, बैलेंस लेंथ ढूंढेंगे मतलब वो पार्टिकुलर पॉइंट ढूंढेंगे जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो हो गया। ओके, सपोज वो पार्टिकुलर लेंथ एल वन है, देन ई वन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई वन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन। सिमिलरली अब वन को डिस्कनेक्ट कर देंगे और टू को ज्वाइन करेंगे, टू को ज्वाइन करने का साथ साथ ई टू विल कम टू द सर्किट, ई वन विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। अब फिर ई टू के लिए हम बैलेंस लेंथ ढूंढेंगे द पार्टिकुलर पॉइंट वेयर द पार्टिकुलर पॉइंट बी टू वेयर गैल्वेनोमीटर विल बी शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन, एट दैट पार्टिकुलर लेंथ ई टू विल बिकम वी ए बी टू। ओके, दैट मीन्स ई टू विल बिकम अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू, सो फ्रॉम हियर ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू एल वन बाई एल, ये जस्ट एक कंपेरिजन है। ठीक है, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द थर्ड पॉइंट, थर्ड यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल।